रानीगंज लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। शनिवार की शाम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य के श्रम कानून व पीएचई मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एक तरफ जहां छात्रों ने मनमोहक गीत व नृत्य प्रस्तुत किए, वहीं बेहतरीन नाटक का भी मंचन किया। छात्रों ने शानदार प्रस्तुति से खूब वाहवाही बटोरी। इस दौरान स्कूल के टॉपर छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में एडीडीए के चेयरमैन एवं विधायक तापस बैनर्जी, लायंस क्लब के अध्यक्ष जुगल किशोर गुप्ता, पूर्व जिलापाल डॉक्टर अब्दुल कयूम समेत लायंस क्लब के अन्य सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रानीगंज डीएवी पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एस के बासु ने किया। स्वागत भाषण प्रस्तुत करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल बिरागिनी बहिदार ने स्कूल की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे लोग भविष्य में जाकर सफल हो और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। बट वी हैव ट्रेन्ड देम मोरली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली। नॉट ओनली इंटेलेक्चुअली, दे हैव क्वालिफाइड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड दे आर गोइंग टू बिल्ड अ गुड कैरेक्टर। टुडे दिस इवनिंग वी द Devi Raniganj people are proud to have with us Sri Malay Ghatak sir, who in spite of his busy schedules have turned up and taken a lot of pain to reach us on time. वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर एस के बासु ने अपना वक्तव्य रखते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के लिए 4 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया गया है ताकि वे अपने सब्जेक्ट को और भी गहराई से समझ पाएं। इसके अलावा छात्र छात्राओं के डिमांड थी साइकिल स्टैंड की, वो भी बहुत जल्द तैयार कर दिया जाएगा। सर्विस ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड परफॉर्मेंस इनिशियल इन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल वी हैड ओनली वन सेक्शन ऑफ साइंस स्ट्रीम, वन सेक्शन ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम। नाउ वी हैव टू कॉमर्स स्ट्रीम्स एंड टू साइंस स्ट्रीम्स। वी हैव ऑल्सो वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब्स, chemistry labs, biology labs and 2 computer labs. We have also 4 smart classrooms where students can take technology help so that they better understand their subject. We provide various indoor and outdoor activities and games which our principal has already elaborated. We are expanding and renovating our 3rd floor and the construction of new buildings by the side of our the stage and over the second the second floor over the first floor is almost going to be complete, and from the next session there will be no dearth of classroom for the students. Our students had a legitimate demand of cycle stand. We are happy to announce that very soon we have it because it was approved by LMC. Besides, we also approve an indoor activity come games. वहीं स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री मलय घटक ने कहा कि इस अंचल में इंग्लिश माध्यम स्कूल की आवश्यकता बहुत है, वह कमी डीएवी पब्लिक स्कूल पूरा कर रहा है। साथ ही मंत्री मलय घटक ने रानीगंज डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रशंसा की और कहा कि रानीगंज डीएवी स्कूल से आईएएस आईपीएस निकले जो भविष्य में हमारे देश और राज्य की सेवा करे। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता से लेकर साइकिल तक प्रदान कर रही है। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा उठाई गई 4 दीवारी के पुनर्निर्माण की समस्या को जल्द हल करने का आश्वासन भी दिया। डीएवी रानीगंज, हर्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द अर्लियर स्पीकर्स, दैट मेनी ऑफ द फ्रॉम दिस स्कूल already reached their highest level as doctor, engineer. I don't know whether any IAS or IPS is IPS studied from this school or not. But in future, I wish that from this school, the students will definitely become IAS and IPS, and they will rule the state and country in future. I all schools for the study, and you know in the government schools our chief minister and our government have waived all fees
Government is giving free books, free bill, free dresses, and also cycles, many other things for these students. For study at Konnasri is a remarkable program of our Chief Minister, you know, which is being appreciated globally. Bureau Report, Public Times.